हेलो गाइस, वेलकम टू चारापुना। चारापुना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आई होप कि आज की वीडियो की टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आज की वीडियो किस रिगार्डिंग होने वाले हैं। जी हाँ, आज की वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे कि क्या सुशांत सिंह राजपूत ने 13 या फिर 14 तारीख को कोई गलत कदम उठाया था या फिर उन्होंने एक सही रास्ता चुना था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दिशा सालियन की मृत्यु की जो खबर है वो उस खबर के ऊपर अगर आप हर जगह पे फोकस करेंगे और उसी के साथ साथ दिशा सालियन की मृत्यु के टाइम से सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के टाइम तक अगर वो सारे न्यूज को आप ऑब्जर्वेशन करते हैं अभी भी, तो आप लोगों के सामने ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि सुशांत का बिहेवियर नॉर्मल नहीं था। और दिशा सालियन की डेथ न्यूज के बारे में पूरी डीपली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ये हम लगभग सारे ऐसे सालियन तो कन्फर्म है कि दिशा सालियन ने उस दिन सुशांत सिंह राजपूत को कॉल किया था। और इसके बाद ये कैलकुलेशन लगाना आश्चर्य नहीं होगा कि शायद सुशांत सिंह राजपूत को दिशा सालियन की कातिलों के बारे में पूरा जानकारी मिल चुका था और मे भी शायद सुशांत सिंह राजपूत को ये भी खबर लग गया था कि अगला टारगेट सुशांत सिंह राजपूत खुद है। मतलब बात को अगर आप सीधे लाइन से देखें तो मरने के टाइम पे दिशा ने सुशांत को सारे कातिलों का नाम के साथ साथ सुशांत के ऊपर आने वाले मुसीबत के बारे में भी चेतावनी कर दिया था। और ऑब्वियसली जो सुनने के बाद सुशांत सिंह राजपूत का बिहेवियर भी चेंज हो गया था, क्योंकि शायद सुशांत सिंह राजपूत को कुछ ऐसा सुनने के लिए मिला था जो कि सुनना नहीं चाहिए था। अब क्या आप गेस कर सकते हैं कि वो बात क्या हो सकते थे? अगर आपने गेस कर लिया तो तुरंत वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन पर एक कमेंट डाल दीजिए। तो चलिए जान लेते हैं कि सुशांत को ऐसा क्या पता चल गया था जो कि सुशांत को जानना नहीं चाहिए। दोस्तों, ये बात नया करके बताने की कोई जरूरत नहीं है कि अंकिता लोखंडे के साथ सुशांत सिंह राजपूत की ब्रेकअप होने के बाद सुशांत का सबसे बड़ा सहारा बन गया था रिया चक्रवर्ती। सुशांत सिंह राजपूत रिया को अपनी मन्नत से लेके जन्नत तक सब कुछ मानते थे, पर जब सुशांत सिंह राजपूत को ये पता चला कि उनकी ही एक्स मैनेजर की हत्या होने वाले है और उस हत्याकांड का मेन मास्टरमाइंड शायद रिया चक्रवर्ती है, तो डेफिनेटली ये सुनने के बाद सुशांत सिंह राजपूत को स्वाभाविक रूप में ही उनको एक बहुत बड़ा झटका मिला था। और इसके बाद आप खुद वो सारे सीन को एक के बाद एक सेट कर लीजिए और देखिए वो सारे के सारे सीन्स पाजल की तरह आराम से सेट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। समझ में नहीं आ रहा है राइट? चलिए वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों, दिशा सालियन की मृत्यु के अगले दिन से ही सुशांत सिंह राजपूत का वो बिहेवियर चेंज हो जाना। सुशांत के साथ हुआ इस घटना के कुछ दिन पहले ही रिया का सुशांत की घर छोड़ के चला जाना। रिया की चले जाने के बाद रिया को फिर से सुशांत सिंह राजपूत की द्वारा कॉल करना और 13 या फिर 14 तारीख को सुशांत सिंह राजपूत के साथ ये हादसा होने के बाद रिया का सॉरी बाबू कहना कहीं ना कहीं इसी बात के ऊपर फोकस करते हैं कि शायद सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियन की केस में रिया चक्रवर्ती सरासर जिम्मेदार हो सकते हैं। पर अफसोस की बात तो ये है कि आज तक एनसीबी के अलावा रिया चक्रवर्ती को कोई भी किसी ने भी एक बार भी एक भी सवाल नहीं पूछा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एनसीबी के तरफ से रिया चक्रवर्ती का जो मोबाइल और लैपटॉप वगैरह सब कुछ लिया गया था इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के लिए, वो सारे के सारे चीजों को लौटा भी दिया गया है, वो भी सम्मान के साथ। और जिन लोगों ने वीडियो को इतना दूर तक देख लिए है उन लोगों के लिए मैं और एक बात क्लियर कर देता हूँ, किसी भी व्यक्ति का जान लेना इतना आसान बात नहीं है। मतलब सुशांत और दिशा की केस में सिर्फ रिया अकेली नहीं थी, उसके साथ पूरा का पूरा एक झुंड शामिल था। अब देखने वाली बात यह है कि क्या आने वाले दिनों में सीबीआई वो पूरा झुंड को अरेस्ट करते हैं या फिर सुशांत सिंह राजपूत की पूरा केस को ही पलट देते हैं, और इसके उत्तर देंगे आप। दोस्तों, आपको क्या लगता है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को चारापुना के दूसरे वीडियो से अलग और यूनिक लगा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ जो दोस्त ने अभी तक चारापुना को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज चारापुना को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा। टाटा।